जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और मेरे मित्र, इधर 2-3 दिन से बहुत सारे छात्रों का लगातार कमेंट भी आ रहा है कि गुरु जी, हमारा 12 और ITI एक साथ है तो क्या हमें आगे दिक्कत होगी, ग्रेजुएशन और ITI एक साथ है तो क्या आगे दिक्कत होगी। तो मेरे मित्र, आज के इस सेशन में हम लोग थोड़ा सा इसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे और थोड़ी प्रैक्टिकल बातें करेंगे, और इसके बाद आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। और एक गलती भी है जो लगभग सभी छात्र कहीं ना कहीं करते हैं, और वो आ पैल मुझे मार वाली स्थिति हो जाती है। तो मेरे मित्र, कहीं ना कहीं आपसे उसको बचना है, और आखिर वो क्या गलती है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन की, और देखते हैं हम लोग क्या कुछ सीख पा रहे हैं। मेरे मित्र, जो हम लोगों का मसला है वो ये है कि गुरुजी, हमने 12 भी कर रखा है और 12 के साथ साथ हम लोगों ने ITI भी कर लिया। अब कई छात्र ऐसे हैं जो कल व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि 12 का एग्जाम हुआ है और उसके कॉलेज में सीट खाली रह गई थी, तो कॉलेज वाले ने क्या किया, फिर से इंट्रेंस एग्जाम लिया अपने सीट को भरने के लिए, और वो छात्र उस इंट्रेंस एग्जाम में एडमिट हुए और वो पास भी हो गए और एडमिशन भी ले लिया। जबकि जो डिप्लोमा वाला सेशन था वो 6 और 7 था, और वो 2007 में सर इंटर ही पास किया है। तो ऐसे में ये भी एक बड़ा सवाल बन जाता है। तो मेरे मित्र, ये जो गलती है ये तो कॉलेज की हो सकती है कि हमारा +2 हो गया था, उसके बाद हमने डिप्लोमा इंट्रेंस एग्जाम दिया और पास कर गए तो हमने एडमिशन लिया। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि रेलवे बोर्ड पे कि वो इसको किस तरह से देखता है। बाकी कुछ छात्र ऐसे भी हैं कि सर ग्रेजुएशन भी कर रहे थे और सोचे साथ में कि ITI भी कर लेते हैं ताकि जॉब जो है वो आसान हो जाएगी। अब यहां पे समस्या किसके चलते हुई है, तो सर समस्या डीजी लॉकर के चलते हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे छात्र परेशान हैं कि गुरुजी, डीजी लॉकर में तो आधार कार्ड डाला जाएगा और हमारा पूरा का पूरा जन्म कुंडली आ जाएगा। तो मेरे मित्र, आप सभी से मैं ये कहना चाहूंगा, पहला चीज तो ये कि ध्यान में रखिएगा कि एक साथ 2 डिग्री, यानी कि एक साथ अगर 2 डिग्री की बात करते हैं एक ही सेशन में, एक साथ 2 डिग्री आपका एक ही सेशन में हो, तो ये तो इलीगल है शुरू से। आज से नहीं सर, बहुत दिन से इलीगल है। एक साथ 2 डिग्री अगर आपका रेगुलर सेशन में होता है, रेगुलर सेशन में होता है, तो ये क्या है, आपका अमान्य है। क्या है? अमान्य है। हाँ, अलग बात है कि अगर एक आप जो है रेगुलर कर रहे हैं और एक डिस्टेंस से कर रहे हैं तो वो वैलिड होगा, लेकिन एक साथ 2 डिग्री अगर आप रेगुलर सेशन में ले रहे हैं तो ये अमान्य होता है। जैसे आपने मान लो कि किसी सेशन में सर 2010-12 में आपने +2 करा और आपको कोई बोल दिया कि ITI भी कर लोगे तो जरूरी हो जाएगा, तो अब आपने क्या किया कि सर 11 से 13 वाले सेशन में आपने ITI कर लिया, 11 से 13 वाले सेशन में आपने ITI कर लिया, तो यहां पे ये आपका जो 2010-12 +2 वाला सेशन था उसमें तो आप सर 11-13 में यहां पकड़ा गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक साल तो आपका इसमें आ गया है। तो ये जो रेगुलर सेशन वाली बातें हैं ये कहीं ना कहीं अमान्य मानी जाएगी। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनके साथ है कि एक साथ वो कहीं ना कहीं 2 डिग्री क्या करते हैं, धारण किए हुए हैं। तो मेरे मित्र, मैं आपको यहां पे ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे छात्र परेशान हैं, अलबलाए हुए हैं कि गुरु जी अब क्या होगा, नौकरी नहीं होगी, फलना होगा, चिलना होगा, ढिकवा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा आप ये सोचिए कि चलो ठीक है, हमने 2 डिग्री ले लिया, हमने 2 डिग्री ले लिया, अब हमारे पास जो रेलवे की वैकेंसी निकली है, हमारे पास जो रेलवे की वैकेंसी निकली है, अब इस रेलवे वैकेंसी में आपको कौन कौन सा मतलब पोस्ट है, तो आप कहेंगे सर ALP है, फिर आपका क्या है सर टेक्नीशियन है, इसके बाद अगर आप आएंगे तो आप कहेंगे सर JEE, तो JEE तो सर डिप्लोमा वालों के लिए होगा और वहां पे ITI की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ALP टेक्नीशियन, और साथ में आपका ग्रुप डी की बहाली अपकमिंग है, ठीक है, और इसके बाद जो अभी आपको रिसेंटली बहाली देखने को मिली है NTPC, इसमें सर 2 पोस्ट है, एक आपका ग्रेजुएट और दूसरा आपका अंडर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट। और मामला कहां से फंस रहा है, मामला फंस रहा है कि गुरुजी अगर डीजी लॉकर पे, अगर डीजी लॉकर के थ्रू वेरिफिकेशन होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो डीजी लॉकर के थ्रू ही होगी, और ऐसे आप नहीं जान रहे होंगे तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अब बहुत सारी चीजें जो है वो आपका डीजी लॉकर से ही वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। अब डीजी लॉकर में क्या है इसको भी हम प्रैक्टिकली समझेंगे। तो मसला यहां से उठ के आ रहा है कि सर डीजी लॉकर में अगर आधार कार्ड डाला जाए, आधार नंबर डाला जाए, डीजी लॉकर में अगर आधार नंबर डाला जाए तो पूरा का पूरा हमारा जो है, जो भी हमने किया है, जो भी हमारी सर डॉक्यूमेंट है, वो सारा आ जाएगा। तो ये मिथ कहीं ना कहीं गलत है
कि सर डिजी लॉकर में आधार नंबर डाल देने से हमारा पूरा का पूरा जो मतलब डॉक्यूमेंट है वो आ जाएगा, ये संभव नहीं है। डिजी लॉकर में इशूड डॉक्यूमेंट को अपने डिजी लॉकर में रखने के लिए आपको रोल नंबर वहां पे चाहिए होता है, सेशन चाहिए होता है, उसके बाद सर वो आपको वहां से जो पेपर होता है वो मिल जाता है आपको। तो याद रखिएगा, पहला मिथ ये जो आप सबों के मन में है कि डिजी लॉकर में आधार नंबर डाला जाएगा और पूरा का पूरा कुंडली आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वहां पे आपको इशूड डॉक्यूमेंट जो है वो खुद से डाउनलोड करने पड़ेंगे और फिर जब आप वेरिफिकेशन में जाएंगे तो वहां पे आपको क्या होगा, तो सर वेरीफाई करना होगा। तो सवाल क्या है सर, सवाल ये है कि एएलपी टेक्नीशियन ये तो हम भर चुके हैं, एएलपी टेक्नीशियन हम भर चुके हैं, अब एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल पे बहाली आई और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे बहाली आई, सर हम इसमें भी भरना चाहते हैं, समस्या बस यही है कि डिजी लॉकर से कहीं हम पकड़ा ना जाए। तो मेरे मित्र आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जो आपका एएलपी और टेक्नीशियन है इसमें आपको किसकी जरूरत है, आईटीआई की जरूरत है, और यहां आपको एनटीपीसी में ग्रेजुएशन की जरूरत है, और यहां सर आपको प्लस टू की जरूरत है, यानी कि जो आपका 10+2 है उसके सर्टिफिकेट की जरूरत है। मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखिएगा कि एक साथ तो पहले ही मैंने बता दिया कि एक साथ दो डिग्री तो अमान्य है, कहीं से भी नहीं। अब दूसरा चीज कि सर हमने कर लिया है हम अपने फायदा के लिए, ऐसा सिर्फ आप नहीं है, बहुत सारे छात्र हैं, लाखों छात्र होंगे, कहना मुश्किल है, और लगभग सभी ने सर किया है ऐसा। तो सवाल यह है कि इसका एक ही तरीका है कि जहां पे जो चीज मांगा जाएगा हमको सर बस वही करना है। मान लीजिए कि अगर हम एएलपी का फॉर्म डाले और एएलपी में हम सेलेक्ट हो जा रहे हैं, एएलपी में हम सेलेक्ट हो जा रहे हैं, तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपसे जो सर्टिफिकेट है वो क्या मांगा जाएगा, तो 10th का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, प्लस आपने जो आईटीआई करा है वो किस ट्रेड से है उसका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, उसके बाद आपके जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, जो भी रेसिडेंस वगैरह जो कुछ भी है वो आपको देखा जाएगा। अब एएलपी वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आपसे तो ये नहीं पूछेंगे कि आप ग्रेजुएशन किए हो या नहीं किए हो, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको दिखाओ। आप कहेंगे कि गुरुजी ज्यादा तेज हो रहे हैं, डिजी लॉकर में तो आधार कार्ड देगा, आधार नंबर देगा और वो सारा आ जाएगा। मेरे भाई ध्यान दो यहां पे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि डिजी लॉकर में कोई भी कागज आपका तभी शो करेगा जब आपको जब आप उसको इशू करेंगे, वहां पे रहता है इशूड लेटर। तो जो इशूड लेटर होगा उसके लिए आपको क्या करना होगा, रोल नंबर डालना होगा और सर वो फिर आपका पेपर आएगा। अब कई छात्र कह रहे हैं कि गुरुजी हम जब रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो वहां पे तो दिखा रहा है आधार नंबर से, आधार नंबर से ये दिखा रहा है कि जो हमारा मतलब जो फॉर्म है वो किस में डाला, हमने एएलपी में भी डाला, टेक्नीशियन में भी डाला, तो ये तो वहां पे भी पता चल जाएगा। तो मेरे मित्र फॉर्म का जो पोर्टल है और साथ में जो डिजी लॉकर का पोर्टल है ये दोनों अलग अलग है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें फॉर्म डाले हैं तो आप अगर उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उस एग्जाम से संबंधित जो पेपर है उसी से वही आपको मांगा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने पास्ट में बीएड कर रखा है, आपने डीएलएड कर रखा है, आप स्टेट पास हैं, आप सीटेट पास हैं, उससे रेलवे को क्या मतलब है। तो थोड़ा सा जो घबराने वाली बात है वो घबराइए नहीं सर, बेचैन मत होइए, थोड़ा सा प्रैक्टिकली इस चीज को सोचिए। और दूसरा चीज, अगर डिजी लॉकर में आधार नंबर डालने से सारा चीज आ जाएगा, तो हमने तो कई बार सर आधार नंबर डाला है, हमारा अभी तक जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट था वो नहीं डाउनलोड हो रहा है, और वो तो छोड़िए अगर हम कोई और पेपर डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर से वो अलग तितमबाजी चल रहा है उनका। तो डिजी लॉकर में क्या है कि जब तक आप अपना सर रोल नंबर या फिर जो भी आपका सेशन है वो नहीं डालेंगे तब तक वो पेपर नहीं आएगा। तो अगर मान लो कि एएलपी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम जा रहे हैं तो एएलपी के लिए जो जरूरी पेपर है उसी को हम डिजी लॉकर में इशूट करा करके जाएंगे। अच्छा बात रही कि सर हम दो एग्जाम में सफल हो जा रहे हैं, जैसे हम टेक्नीशियन में भी सफल हो गए, तो मेरे मित्र यहां पे भी तो आपका जो डिग्री है वो आईटीआई ही है। सर हम एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के लिए क्या करेंगे, यहां पे तो हमें आईटीआई की जरूरत नहीं है, यहां पे हमें ग्रेजुएशन और अंडर प्लस टू के सर्टिफिकेट की जरूरत है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, यहां पे तो हमारा सेम मैच करेगा। तो मेरे मित्र यहां पे भी आप वही कर सकते हो जो कि आप करते आए हो। क्या सर, कि अगर हम ग्रेजुएट लेवल पे फॉर्म डाल रहे हैं और हमारा उसमें सिलेक्शन हो जा रहा है एनटीपीसी में, सेलेक्ट मान लो एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी किसी कारणवश से नहीं हुआ और ग्रेजुएशन में हमारा क्या हो जा रहा है, सिलेक्शन हो जा रहा है, तो मेरे मित्र जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आएगी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको जो है वो क्या करना होगा, तो सर जो ग्रेजुएशन तक की सर्टिफिकेट है वो शो करना होगा।
तो उस केस में आप ये कर सकते हो कि जो आपकी आईटीआई की डिग्री है या जो आपकी डिप्लोमा की डिग्री है, क्योंकि कोई भी टेक्निकल कोर्स होता है तो चला वो रेगुलर होता है, तो आप उसको हाइड कर सकते हो, छुपा सकते हो। अब आप कहेंगे गुरुजी ये छुपेगा, आधार नंबर से सारा निकल जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आधार नंबर से डिजी लॉकर में आपके पूरे कागज आ जाएंगे एक ही बार में, ये संभव नहीं है। हाँ, ये आधार नंबर ये बता सकता है कि आपने अलग अलग फॉर्म डाला है। तो जहां पे आप सोचो कि हम यहां पे अपने ऑफिस में किसी को सर टाइपिंग के लिए रखना चाह रहे हैं, ठीक है, अब हम उसको बुलाए तो हम उसका टाइपिंग स्किल देखेंगे, बहुत अगर हम बहुत बड़ी कंपनी है तो। और दूसरी बात कि सर टाइपिंग स्किल देखने के बाद हम ये खोजेंगे कि आपके पास कोई टाइपिंग का सर्टिफिकेट है, वो हमको दिखा देगा। अब हम ये तो वो नहीं खोजने जाएंगे उससे कि आपने टाइपिंग के अलावे और कहां कहां किस पोस्ट के लिए आवेदन किया है और आपका जो सर्टिफिकेट है वो क्या है। हो सकता है कि मेरी बात कुछ छात्रों को बुरा लगे कि गुरुजी ऐसा नहीं होगा, लेकिन मेरे मित्र होगा ऐसा ही। रेलवे के पास इतना फुर्सत नहीं है कि वो लाखों बच्चों का बैठ करके पूरा जन्म कुंडली खंगाले कि किसने आईटीआई करा है, किसने डिप्लोमा करा है, किसने क्या किया है। हाँ, अब समस्या ये है कि ये वैसे छात्रों के लिए है कि सर हम रिस्क लेंगे, हम सभी फॉर्म डालेंगे और सभी फॉर्म डालने के बाद जो है हम ये देखेंगे कि हमारा सिलेक्शन कहाँ होता है, हम उसी के लिए डीवी कराएंगे। तो ये छात्र कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, कुछ छात्र ऐसे होंगे कि गुरुजी हम रिस्क लेना नहीं चाहते। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप एक साथ दो डिग्री रखे हैं तो ये कहीं ना कहीं अमान्य होगा, तो आप रिस्क मत लीजिए। आप ये देखिए कि अगर हम एएलपी में ही बेहतर कर सकते हैं, एएलपी में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो एएलपी आप भरेंगे, आईटीआई बेस पे टेक्नीशियन भी भरेंगे, सर ग्रुप डी है 10th पास प्लस आईटीआई वहां पे भी भरेंगे, जबकि मेरे मित्र एनटीपीसी और ये जो आपका ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट है यहां पे अगर आप रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं तो मत भरिए। हां, ये भी सर संभव है कि सभी छात्रों को हर एक पोस्ट में सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, कुछ ही छात्र ऐसे होंगे जिसका एक से अधिक पोस्टों में सिलेक्शन होगा या एक से अधिक एग्जाम वो पास करेंगे। तो मेरे मित्र ये चीज डिपेंड करेगी किस पे, ये चीज डिपेंड करेगी कि जो आपका सिलेक्शन है वो किस में हो रहा है और आपको कहां जाना चाहिए। किसी एक पोस्ट के लिए अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं तो वहां पे मेरे मित्र आपको अदर के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप जा सकते हो, वहां पे करा सकते हो। तो ये जो एक आप सबों के मन में सर बैठ गया है कि आधार नंबर डालेंगे और ये डिजी लॉकर सभी आधार वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, आधार नंबर डालने के बाद वो पूरा का पूरा हमारा आ जाएगा सारा सर्टिफिकेट, तो ना हो तो एक बार आप ट्राई कर लेना डिजी लॉकर पे, आप आधार नंबर डाल करके, क्या आपके सारे इशूड डॉक्यूमेंट आ जा रहे हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो इशूड डॉक्यूमेंट लाने के लिए आपको सेशन डालना होता है और रोल नंबर डालना होता है, तो जिस एग्जाम के लिए जो सर्टिफिकेट की जरूरत होगी सर हम वही डालेंगे। तो मेरे मित्र अगर आप सभी मतलब ऐसा करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई परेशानी होगी, क्योंकि ये डिजी लॉकर वाला जो मसला है मतलब लोग कह रहे हैं कि सर पूरा का पूरा जन्म कुंडली आ जाएगा, पूरा का पूरा हमारा डॉक्यूमेंट आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, डिजी लॉकर के थ्रू डिजिटली लोग क्या करेंगे तो सर आपका जो वेरिफिकेशन है उसको मतलब कराने के लिए कम समय लेंगे। अच्छा, डिजी लॉकर की बात क्यों आई? डिजी लॉकर की बात इसलिए आई कि अब बहुत सारे छात्र जो हैं वो मतलब उस वक्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त पेपर ले जाने ले आने में कठिनाई महसूस करते हैं, किसी का ट्रेन में ही खो जाता है, तो ऐसे केस में ये बहुत ही अच्छा सा चीज है कि हमारा सारा चीज हमारे एक ऐप में है और वहां गए हम दिखा दिए। अब किसी का अगर किसी कारण से डिजी लॉकर में लॉगिन नहीं हो रहा है तो उनसे सर फिजिकल डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, यानी कि भौतिक रूप से आप लाए हैं तो आप वो दिखा दीजिए। तो ये जो डिजी लॉकर है वो आपके काम को आसान बनाने के लिए, बाद बाकी आपके भर्ती प्रक्रिया में हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगी या कोई व्यवधान होगा। हाँ, अगर आप बैल मुझे मार वाले स्थिति में है, कहीं पे जरूरत सिर्फ आईटीआई की है, आप उसको दिखा रहे हैं सर हम ग्रेजुएशनों किए हैं, सर हम बीटेक को करके रखे हैं, तब आप फंस जाएंगे, तब मामला आपका फंस जाएगा, वहां पे आ जाएगी कि आपका सेशन कोलैप्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक जरूर करेगा, तब मामला फंस जाएगी। तो हम यही कहेंगे कि जो भी छात्र परेशान है बस वो ये गलती ना करें कि जिस एग्जाम के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे आगे बढ़ करके अपने रिक्वायरमेंट को शो करें, बस ये गलती आपको नहीं करना है। बाद बाकी आप फॉर्म डालिए जहां आपकी सिलेक्शन होगी, जहां आपको मन होगा कि सर यहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना चाहिए, तो मेरे मित्र आप वहां चले जाइएगा और वहां पे जो भी मतलब जरूरी कागजात होंगे उसको अपने डिजी लॉकर में आप इशूड कर लेंगे और वहां पे जाकर के दिखा देंगे। बाद बाकी रेलवे को मुझे नहीं लगता है कि सर इतना मतलब होगा कि आपने अपने भविष्य को बनाने के लिए कौन कौन सी डिग्री ली है और किस किस सेशन में ली है। अगर ऐसा हो जाएगा तब तो फिर मतलब हमारे आधे से ज्यादा छात्र तो यहीं पर घुलट जाएंगे। तो मैं बस आपको यही कहना चाहूंगा कि पहला चीज तो अपने आप पे कंट्रोल रखना है,
हमने अगर आईटीआई पास पे नौकरी लेना है तो हम आईटीआई तक के सर्टिफिकेट तक ही सीमित रहेंगे। हमें बहुत ज्यादा तुर्रम खान बनने की जरूरत नहीं है, 30 मार्क खान बनने की जरूरत नहीं है कि सर हमने ग्रेजुएशन भी करा है, बीटेक भी करा है, बीएड भी कर लिया है। दूसरा बात कि अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो ये तो इलीगल है ही, आप इसको क्लोज कर लीजिए, किसी एक ही डिग्री के साथ आगे बढ़िए। और अगर आप रिस्क लेना चाह रहे हैं कि नहीं सर हम एग्जाम देना चाह रहे हैं, हमारी तैयारी अच्छी है, हम देख रहे हैं कि अगर इसमें मिस होते हैं तो सर हम इसमें कर सकते हैं, तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको अभी भी बोला है कि सभी छात्रों का इन सभी पोस्ट में सिलेक्शन हो जाए संभव नहीं है, तो ये मामला अगर फंसेगा भी तो एक दो छात्रों के, और एक दो छात्रों के साथ, और उनके साथ भी नहीं होगा। किस स्थिति में? तो सर अगर वो चूज करेंगे कि हमें सर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए ही अप्लाई करना है या ग्रेजुएट पोस्ट के लिए हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, तो हम सिर्फ उसके लिए पेपर लेकर के आएंगे। तो इसमें हमें नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा मसला होना चाहिए। बाद बाकी आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और उम्मीद करते हैं कि ये जो भ्रम था कि डिजी लॉकर से जो हमारा आधार वेरिफिकेशन हो रहा है उससे हमारा सारा का सारा चीज आ जाएगा, ये ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं होता है। और अगर ऐसा होता तो फिर प्रत्येक व्यक्ति के पास डिजी लॉकर में हर एक सर्टिफिकेट मौजूद होते हैं। लेकिन जब भी आप डिजी लॉकर में आप 10+2 ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट लेने जाएंगे तो वहां पे आपको सेशन और रोल नंबर डालना होता है, उसको आप मेरे मित्र जब तक नहीं डालेंगे तब तक आपका डॉक्यूमेंट इशू नहीं होगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।